हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज की क्लास में जैसा कि आप देख सकते हो, अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है कि ऐसा कुछ ये हमने आइसलैंड बनाया है आपको, एंड आइलैंड के आसपास हमने अभी बताया था लास्ट क्लास में कि वाटर कैसे बनाएंगे हम, वाटर इफेक्ट देने के लिए इन चीज़ों के लिए हम इसको क्लास को आज के क्लास में इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कैसे क्या बनाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी लास्ट क्लास में हमने ये बनाया, ये हमारा आइलैंड है। यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पे ट्रेजर वाला हमने ये बॉक्स रखा है। इसका पूरा प्लेलिस्ट अगर देखना है कैसे कैसे हमने यहाँ तक पहुँचा है, ये बिगनर्स के लिए 2021 3DS Max 2021 हमने बिगनर्स के लिए ये प्लेलिस्ट बनाया है। पूरे प्लेलिस्ट को अगर देखना है, यहाँ आई आइकन पे आप जाओगे मिल जाएगा, पूरा लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो बाकी यहाँ पे अभी जो आज के क्लास में हम यहाँ पे और भी इसमें और भी चीज़ें आएंगी, तो धीरे धीरे वो प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरा पूरा अच्छे से 3ds Max को कैसे यूज करना है मॉडलिंग के लिए, सेटिंग के लिए, तो इस चीज़ों को लाइटिंग के लिए, तो इस प्लेलिस्ट से आप सीख सकते हो। यहाँ आइकन पे आपको लिंक है। तो अभी आपको यहाँ पे हम पहुँचे हैं, ऐसा कुछ ये ट्रेजर का हमने बॉक्स बनाया यहाँ पे। दो तीन क्लास में तो हमने ये बॉक्स अच्छे से डिटेल में टूल्स को क्लियर करते हुए बनाया और यहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं, जिसमें ये डायमंड है ये सब यहाँ रखा हुआ है। और F अगर फोर करते हो तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी, डायमंड ऐसा कोई ग्लास जैसा दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे ट्री वगैरह लगाया, ऐसा कुछ बनाया। अब हम चाहते हैं कि इसको प्लेन एक है, इसको हम वाटर का इफेक्ट दें, पूरे प्लेन को हम वाटर जैसा इफेक्ट दें। तो ये है, अभी आप यहाँ पर जाओगे रिलैक्स वगैरह का डिस्प्लेश ये सब मॉडिफायर हमने यूज किया है इसमें, और देन ये हमने ऐसा कुछ अभी ट्रेजर का ये बनाया है। अभी एक चीज़ आपको ध्यान दोगे अगर देखोगे कि अभी मैं फ़िलहाल दो मिनट के लिए अगर प्लेन को हाइड कर दूं, तो ये अगर मैं मूवमेंट को लेके अगर मैं बोलूं एक चीज़ कि जैसे ये प्लेन मैं मूव कर रहा हूं तो बाकी चीज़ें भी मूव हो, ये सब सिंगल सिंगल है। ट्रेजर इसको तो हमने लिंक कर रखा है, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था पेरेंट एंड चाइल्ड लिंक करने के लिए। तो जैसा कि नीचे वाले को आप अगर इसको ऐसा मूव करते हो तो ये पूरा का पूरा सीन, ये सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं, बट वो अगर आप पूरा क्लास देखोगे पूरे प्लेलिस्ट को समझ में आएगा एक एक टूल के बारे में। तो पेरेंट एंड चाइल्ड यहाँ से मैंने यहाँ ये टूल से लिंक कर रखा है, तो बाकी सब तो इंडिविजुअल है, लेकिन अगर आप इसको अगर ऐसा कुछ मूव करते हो तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका मूव होता है। तो उसी तरह आप पूरे अगर आइलैंड को ऐसा कुछ मूव करो तो पूरा का पूरा मूव हो जाए। एक तो ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप के अलावा मैं अगर इसको चाहूँ लिंकिंग के थ्रू ही कि पूरे पूरे इसको लिंक, ऐसा सब कुछ इससे लिंक हो, ऐसा कुछ मूव करना। अभी तो कम ट्रीज वगैरह बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्री हो, बहुत हेवी सीन हो आपका, अभी तो हमने कम लगाया है ताकि हैंग ना हो पीसी या कुछ भी इशू ना हो, आपको मैं समझा सकूँ इस पर्पज से अभी मैं क्लासेस बना रहा हूँ, तो समझाने के पर्पज से मेनली। तो अभी इसमें तो कम है, बट अगर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और सबको लिंक करना है, तो वो आप कैसे करोगे, चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। ये आपका ऐसा कुछ है, ये आपका ये नीचे का इससे ये ऐसा लिंक है। चलो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो इससे लिंक, यहाँ से लिंक पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, इसको ऐसा कुछ आपने नीचे जो है आइलैंड से लिंक कर दिया। अब क्या है कि इसको आप मूव करोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा, बट बाकी एक एक ट्री को सारे को पकड़ के एक एक को सेलेक्ट करके एक एक को यहाँ से सेलेक्शन लेना बहुत हेवी होता है एंड देन लिंक करना। तो एक और उसका ऑप्शन है, आप शॉर्टकट है H ऐसा कुछ प्रेस करोगे एंड देन आपका सेलेक्ट फ्रॉम सीन ऐसा कुछ ये ओपन हो जाएगा। ये है आपका सेलेक्ट फ्रॉम सीन, यहाँ पे आपको यहाँ जाओ, यहाँ पे जाओगे तो ये लाइट भी दिख रहा होगा। लाइट भी चाहते हो मूव हो तो लाइट को भी लिंक कर सकते हो, फिलहाल अभी नहीं करना है मुझे। तो आपका यहाँ पे जाओगे, ये प्लेन है, देखो ये आपका प्लेन है, और यहाँ पे ये प्लेन बाहर वाला प्लेन, इससे आपको यहाँ पे क्या क्या लिंक है, इसमें ये बॉक्स लिंक है, बॉक्स के अंदर ये सिलेंडर वगैरह प्लेन, तो ये चीज़ें इससे लिंक है। इसको अगर मैं हाइड करूँ बंद करूँ तो देखोगे ये चीज़ें इसके साथ में है अभी फ़िलहाल। तो ये हैं एक बार मैं इसे अभी जो सीन में है, तो बाकी की चीज़ों को इनको भी आप चाहते हो, एक मिनट के लिए मैं अगर अनहाइड कर दूं तो फिर से एच करूं तो आपको एक और प्लेन आएगा, ये है दूसरा वाला प्लेन, ये बाहर का प्लेन, तो इसमें मुझे नहीं करना है, मुझे इस वाले प्लेन पे यानी इस पे करना है। अभी मैंने रीनेम नहीं किया था, आप कोशिश करो कि इनको रीनेम कर दो। तो इस पर मुझे अगर प्लेन पे, मतलब प्लेन मीन्स आइलैंड पे अगर मुझे करना है तो ऐसा कुछ आपको डबल क्लिक करोगे तो सिलेक्शन इसका वहाँ पे हो जाएगा। तो फिर से एच प्रेस करो, तो अगर आपको करना है तो बाहर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ
इन सब को, जैसे कि जो जो ट्री है फॉली वाला, ये 1 2 3 4, तो यहाँ ऐसा सिलेक्शन लेना है और यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। ये टोटल आपके जो ट्रीज़ है, ये देखो यहाँ पे ऑन ऑफ करूँ तो ये बंद हो रहा है, ये तो ये सबको आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो, ऐसा शिफ्ट के साथ पूरे को क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आप आकर के ओके करोगे तो आपके जितने भी, ये सिलेक्शन के लिए बहुत आसानी से, अभी तो दो चार है ना, बट अगर बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स में हो, अगर ट्रीज आपने लगा दिए तो बहुत ज़्यादा सीन में कुछ हो, तो ऐसा कुछ आप सिलेक्शन ले सकते हो। और ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, मैं बता दूँ, यहाँ पे लाइट हो गया, जैसे ये मैंने लाइट भी ऐड कर रखा है, तो लाइट के लिए और भी चीज़ों का, कैमरा है, कैमरा अगर सीन में भी है नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा है, कैमरा हो, लाइट हो, किसी भी तरह का कुछ हो, तो यहाँ से उनको सिलेक्शन लेना, आपको बहुत ज़्यादा लाइन में यहाँ से आपको सिलेक्शन लेना। अगर रीनेम कर रखे हो, नेमिंग अगर अच्छे से दे रखे हो, तब तो और आसान हो जाता है सिलेक्शन सब कुछ कर लेना। तो ये सिलेक्ट फ्रॉम सीन का ये हमने क्लियर कर दिया आपको, यहाँ से ऐसा कुछ अभी देखा आपने, हमने सिलेक्शन ले लिया। अब आप सबको ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे देखो ऐसा मैंने इसके साथ लिंक कर दिया। अब हुआ क्या कि अब मेरा अगर ये आइलैंड जो है, ये ऐसा कुछ अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो सारा कुछ उसके साथ जा रहा है। फिर से मैं बाहर वाला प्लेन अभी बंद कर देता हूँ। ऐसा कुछ अगर आप इसे मूव करते हो तो सब कुछ इसके साथ जा रहा हो, क्योंकि सारे पूरे जो भी अभी इस सीन में है यहाँ पे, मैं लाइट को यहाँ से फिर से अभी बंद कर दूँ थोड़ी देर के लिए, जो भी आपको यहाँ पे सीन में दिख रहा है, जो भी चीज़ें, उसका जो पेरेंट है वो अब ये बन चुका है, बाकी सब चाइल्ड है। तो चाइल्ड जो है वो पेरेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ जा सकता है। बट अभी अब जैसे इसका यहाँ पर जाऊँ तो ये इंडिविजुअल है, अभी इसके लिए ये चाइल्ड है, जो आपका पूरा जो आइसलैंड है इसके लिए ये चाइल्ड है, तो इसको आप मूव कर सकते हो। बाकी ये, बाकी इसका जो ये कवर है या अंदर का जो ये सब पार्ट है, वो इसका चाइल्ड है, इस बॉक्स का। तो ये बॉक्स के साथ ये बाकी चीज़ें जा रहा है, क्योंकि बाकी सब इसका चाइल्ड हमने कर रखा है। तो ये चीज़ है, मेन पेरेंट आपने आप इसको बना दिया, तो आप जहाँ भी आइलैंड को इसको ऐसा कुछ मूव करोगे, सब कुछ मूव होगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया कि ये पेरेंट एंड चाइल्ड का करके लिंक कर देंगे। तो लिंक करने ग्रुप भी एक ऑप्शन है, यहाँ से सब कुछ को पकड़ के आप यहाँ ग्रुप अनग्रुप, बट अभी हम उसको नहीं जा रहे हैं, अभी इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ग्रुप अनग्रुप हमने क्लियर कर रखा है। आज के लिए प्लेलिस्ट में हम लिंकिंग का उसको अच्छे से समझ रहे हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो है, जो और भी जो हमने बताया, सब में हमने लिंक ही किया है। तो ये है, अब हम फिर से अनहाइड ऑल करते हैं और ये हमारा आ गया प्लेन। ये प्लेन हमने सीन में पहले दिया था, अभी चाहो आप हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दे दिया तो वो हो गया, ये है। अब हमें इसमें वाटर हमें ऐड करना है, कि वाटर पानी का एक वो बनाना है कि कैसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ आप प्लेन ले लोगे, ये देखो हमने एक प्लेन ले लिया, प्लेन ये बाहर बाकी का पार्ट नीचे जा रहा है, कोई नहीं, आप चाहो थोड़ा सा प्लेन को ऊपर करना है या थोड़ा सा इसको नीचे। तो अभी मैंने लिंकिंग कर लिया, तो अब देखो ऊपर करना हो या हमें सेट करना है पूरे सीन को, इसको थोड़ा नीचे करना है ऐसा कुछ, तो आप ऐसा कुछ नीचे कर सकते हो। आपको बस इतना सा पार्ट निकला हुआ दिखाना है, बाकी सब दिखाना है कि पानी के अंदर है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें अब आपको आसान हो जाता है सब कुछ कंट्रोल करना। तो अभी जैसे कि ये आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं इसको और पानी के अंदर ऐसा कुछ ले जाऊँ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आइलैंड मेरा पानी के अंदर हो, थोड़ा सा और हो जाए तो अच्छा लगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको ऐसा कुछ सेट कर सकता हूँ, ये देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ ऐसा कुछ वाटर आ रहा है थोड़ा सा, और इसको ऐसा कुछ मैं कर देता हूँ, ये देखो ऐसा अब मेरा ये आइलैंड निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा पार्ट मैंने अंदर कर दिया। तो ये है, ऐसा कुछ आपने कर दिया। करने के बाद अब यहाँ पे आप जाओगे और आप यहाँ पे लेंथ और विड्थ सेट करोगे। पहले तो आप अभी इंच में ही है, कोई नहीं इंच में ही करो, तो आपको वहाँ पे 1000 बाई 1000 ऐसा कुछ आप यहाँ रीनेम साइज कर दो, ऐसा कुछ आपने, सॉरी 100 हो गया, 1000 बाई 1000। अब इसमें आपको सेगमेंट F4 जरूर कर लोगे ताकि आपको पता चले, यहाँ तो आपको दिख रहा है सेगमेंट, बाकी पानी पे नहीं दिख रहा है क्योंकि है नहीं। तो यहाँ पे आप 100 बाई 100 डाल के देखो, अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, अभी जैसा कि हमने देखते अभी भी ठीक है, बट और ज़्यादा हम यहाँ पे कर सकते हैं, 150 कर देते हैं एंड देन 150, ये 150, ये देखिए इस तरह का, या आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे या आप ऐसा कुछ ऐड कर दोगे,
ये आपका प्लेन अब वाटर बनने के लिए, इफेक्ट के लिए रेडी हो गया है। ऐसा कुछ आप करोगे देन आपका यहाँ पे आ जाता है स्केल वैल्यू, डेंसिटी, ये आपका रैम या सीपीयू ये सबको बहुत ज़्यादा रेंडर टाइम आपको बढ़ाएगा। तो डिपेंड करता है आपका पीसी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इसको आप 2 रखना है तो 2, दोनों को आप सेम रखोगे ऐसा कुछ ये आप कर सकते हो, 3 करना है 4x4 भी कर सकते हो, 4 रख सकते हो, तो डिपेंड करता है। अभी फिलहाल हम 1 रखते हैं या चलो 2 कर देते हैं क्योंकि मेरा पीसी तो इतना झेल सकता है, 4 तक झेल सकता है। तो ये आपको अपने पीसी के अकॉर्डिंग रेंडर मल्टीप्लायर्स आपको ये यहाँ पे स्केल डेंसिटी अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, जैसा कि आपका जिससे आपका पीसी है क्वालिटी वाइज आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपने ऐसा कुछ किया देन अभी आपका प्लेन रेडी है। अभी आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा अगर गैप है, अगर थोड़ा सा मैं ज़्यादा और वैल्यू दूँ 200x200 तो ये और अच्छा आएगा इफेक्ट, तो वो आप ऐड कर सकते हो। आप देखोगे ऐसा कुछ ये आपने कर दिया देन अब आपको इसमें मॉडिफायर्स यूज करने हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी इसमें और कुछ करना है आपको मॉडिफायर यूज करना है ताकि एक वाटर इफेक्ट जो है वो आ सके, पानी का इफेक्ट लगे कि हाँ आसपास यहाँ पे पानी है। तो आप यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे मॉडिफायर में जाओगे एंड सबसे पहले आप जो लोगे वो होगा नॉइस, ऐसा कुछ आप नॉइस लोगे। नॉइस लेने के बाद यहाँ पे जैसे जेड वैल्यू ये हमारा, आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आप ब्लू यहाँ पे ये देख सकते हो जेड वैल्यू ऊपर और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्स वैल्यू यहाँ सामने आपके आ रहा है, अगर आप इस तरह से देख रहे हो एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू इधर जा रहा है लेफ्ट में या राइट आप बोल लो लेफ्ट राइट का, और जेड वैल्यू जो है वो ऊपर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जेड वैल्यू इंक्रीज करना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा करना है। फिलहाल आप टाइप कर सकते हो ऐसा 200, बहुत ज़्यादा हो गया 25 कर दो। तो ये चीज़ है, इस तरह से आपको यहाँ पे जेड वैल्यू आपको अपना देना है। मान लो मैं 200 कर देता हूँ तो इस तरह से आपको जेड वैल्यू आपने दे दिया। जेड वैल्यू के देने के बाद आपको यहाँ पे स्केल है 100 है, अभी फिलहाल आपको उसको आपको कितना रखना है 1000 ऐसा कुछ कर दो। देखो अब क्या हुआ है स्मूथनेस, ये थोड़ा स्मूथ होता जा रहा है। आपको आपको 25 ज़्यादा लग रहा है, इसको आप 15 कर सकते हो, या 25 रखना है 25 रखो, कोई वो इशू वैसा कुछ नहीं है। बट आपको ये आपका ऐसा कुछ है 1000 है, ये देखो इस तरह से आपका थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ हम अपने सही लाइन पे जा रहे हैं, बट अभी भी बहुत काम करना है इसमें। तो ऐसा कुछ आपने बनाया, ये रहा आपका, ऐसा कुछ आपने दे दिया। अब हम चलते हैं इसमें और आगे की तरफ और कुछ और इफ़ेक्ट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्रैक्टल कर दो, ये देखो थोड़ा सा फ्रैक्टल आपने किया तो इफ़ेक्ट जो है सो इस तरह का कुछ वाटर का आ रहा है। आप यहाँ से एनिमेट भी कर सकते हो, एनिमेट करोगे तो अगर आप एनिमेट करने के बाद यहाँ प्ले कर सकते हो ऐसा कुछ, ये देखो प्ले भी करके देख सकते हो कि आपका वाटर का जो इफेक्ट है, और ये यहाँ पे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो आपका जितना टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग रिपीट करेगा, वो टाइमलाइन आपको देखना है। तो यहाँ से आपको मैंने ये सब बता रखा है, टाइमलाइन अभी फ़िलहाल हमने हटा दिया है ताकि मेरा व्यू पॉइंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख सके। टाइम स्लाइडर यहाँ पे ये देखो, ये टाइम स्लाइडर आ गया, तो ये टाइम स्लाइडर देखो यहाँ से अभी मैं ये बंद कर दिया हूँ, देखो ये अभी प्ले करूँगा तो ये टाइम स्लाइडर यहाँ चलना चालू हो गया, ये देखो ये आपका टाइम स्लाइडर जो है वो ऐसा कुछ चल रहा है। तो जितना अभी 100 यहाँ पे 100 के सेकेंड में 100 आपको अगर लेके समझो तो ये इस तरह से ऐड यूज हो रहा है, सेकेंड में 100 फ्रेम है, ये फ्रेम रेट है, 100 फ्रेम है, सेकेंड टाइमिंग से इसका कोई लेना नहीं है, फ्रेम रेट है ये। तो अभी 100 का पर सेकेंड आपका फ्रेम चल रहा है, अभी ऐसा कुछ 100 फ्रेम है, आपको जितना इस पे 200 500 यहाँ फ्रेम्स आप सेकेंड के अकॉर्डिंग, ये आप यहाँ पे फ्रेम 100 है अभी 500 ऐड करना हो, ये सब मैं बाद में बताऊँगा, ये आगे की चीज़ें हैं। 500 1000 जितना ऐड करना हो, और सेकेंड पर रेट जैसे एक सेकेंड के अंदर एनिमेशन जब होता है, एक सेकेंड के अंदर 25 24 और 30 तीन तरह का, 30 पर सेकेंड 30 फ्रेम रेट रखते हैं जिसमें एक सेकेंड के अंदर 30 अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, तो 30 फ्रेम यानी पिक्चर्स ऐड होते हैं तो एक सेकेंड का वीडियो बनता है। ये 24 भी यूज करते हैं एनिमेशन में के लाइन में 24 भी यूज होता है, तो इस तरह से है वीडियोज़ में, नॉर्मल वीडियोज़ में 30 फ्रेम रेट यूज होता है। तो इस तरह से आपको ये करना है। अभी आपको इसमें मुझे लग रहा है कि ये 15 ज़्यादा है, मैं 25 को जो है इसको फिलहाल मैं ये फ्रैक्टल को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने इसको 25 को 15 कर दिया। 15 करने के बाद आप देखोगे थोड़ा बहुत फ़र्क आया आपको, यहाँ पे आप 25 करोगे हाइट वाइज आप देखोगे जितना ज़्यादा आप इसको करोगे, अभी मैं अगर 50 कर दूँ तो ये जेड डेफ्थ जो
जेड एंगल है इसका, ये जेड एंगल में डेप्थ बढ़ता जाएगा, हाइट वाइज बढ़ता जाएगा ये सेगमेंट्स। तो अभी फिलहाल मैंने 15 कर दिया, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है तो 15 कर दिया। यहाँ 1000 है, इसको आप यहाँ ऐसा कुछ 500 कर सकते हो, ये देखो 500 कर दिया। तो वो डिपेंड करता है आपको कैसा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना स्मूथ चाहिए, क्या चाहिए। 100 हो गया, सॉरी ये अजीब सा लगने लगा, तो फिलहाल आपको 1000 रख दो, थोड़ा सा स्मूथ आ रहा है इफेक्ट, इस तरह से आप ले सकते हो। यहाँ हमने 15 कर दिया, ये एनिमेशन का है, और इसको आप फ्रैक्टल करो तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक सा आता है व्यू। अभी ये ठीक है, बट ये उतना ज़्यादा वाटर के वो नज़दीक नहीं जा रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है, ज्वालामुखी टाइप लावा वगैरह। तो आपको मुझे आपको इसको वाटर का इफेक्ट हमें बनाना है, तो हम उसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने नॉइस किया, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और भी कोई मॉडिफायर यूज करते हैं। फिर आप यहाँ पे जाओगे, पी प्रेस करोगे, पी यू, तो आपको ऐसा कुछ पुश मॉडिफायर ऐसा कुछ आपको आ जाएगा। पुश करने लेने के बाद इसको आप यहाँ पे इसमें वैल्यू दोगे, आपको डिपेंड करता है कितना वैल्यू देना है। तो मान लो मैंने 200 दिया, तो ये सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा हमने क्योंकि दे दिया। तो आप फिलहाल ऐसा कुछ, अभी क्या हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ ऐसा कुछ पुश कर रहा है, मुझे इसको माइनस में चाहिए कि नीचे की तरफ माइनस में जा रहा हो, नीचे की तरफ पुश कर रहा हो। तो आप कुछ नहीं, इसके नीचे आगे माइनस लगा दोगे। अब देखो ये माइनस की तरफ गया, माइनस की तरफ जाने के बाद इस तरह का आपका इफेक्ट आ रहा है, और आपको लग रहा है कि ये 1.5 ज़्यादा है, तो 5 करके देखो अभी क्या होगा। इसको यहाँ से ऑन ऑफ करके देख सकते हो, ये देखो किस तरह का आपका इफेक्ट जा रहा है। ये देखो पहले ये ऐसा था, ये बबल्स जो ऊपर की तरफ आ रहे थे उसको उनको थोड़ा सा ये नीचे अंदर की तरफ ले जा रहा है। 1 ठीक था, मुझे लग रहा है कि 1 हमने ठीक रखा था, ये इतना सही लग रहा है, वाटर का असली इफेक्ट आ रहा है धीरे धीरे, अब हम जा रहे हैं पास। तो ऐसा कुछ ऑन ऑफ करो, ऑन ऑफ करके देखो, ये अब काफ़ी हद तक हमारा सही जा रहा है, ठीक है। और इसको आप या एक बार 10 करके देखो, 10 पे, 10 करने पे कित कैसा आता है, ये देखो 10, हाँ ये और सही है। उसमें थोड़ा सा जो मेस है वो एक के ऊपर एक लाइंस मेस के ऊपर मेस चढ़ रहा था, जिस कारण ब्लैक ब्लैक सा ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, अजीब हो रहा था, उसको स्मूथ करना बहुत मुश्किल होता या हेवी भी होता। तो इस तरह से 10 मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा सही जा रहा है, ये देख सकते हो आप ऐसा कुछ 10। अब इसको 10 है, ठीक है, देन अभी इसमें हम और ज़्यादा आगे की तरफ जाएंगे। अभी जैसे इसी को थोड़ा सा जैसे रिलैक्स करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत ये ब्लैक ब्लैक सा जो आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि मेस एक के ऊपर एक, एक के अंदर एक जा रहा है, ऐसा कुछ टच हो रहा है। तो यहाँ पे आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, यहाँ पे फिर से जाओगे और रिलैक्स। अब जब आप रिलैक्स करोगे तो आप देखोगे वो चीज़ें आपकी सही हो गई। इसको आप ऑन ऑफ़ करके यहाँ से चीज़ों को चेक कर सकते हो, ये जो आई जैसा बना हुआ है इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हो। तो पहले का इफेक्ट एंड देन ऐड करने का इफेक्ट आपका, ऐड करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर आपका दिख जाएगा कि कैसा, पहले अभी ऐसा था आपका, देन आपने रिलैक्स किया तो ये ऐसा हो गया। तो बिफोर एंड आफ्टर आपका यहाँ से दिख जाएगा, रिलैक्स आपने ऐड कर दिया है। रिलैक्स ऐड करने के बाद अब हम और आगे जाएंगे, और रिलैक्स की वैल्यूज़ वगैरह आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रिलैक्स वैल्यू है 0.5 है, तो इसको 0.5 को कितना देना चाहिए वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या स्ट्रेंथ्स ये सब। तो फिलहाल इसको अगर आप 2 करके देखो तो और स्मूथ हो गया। देखो यहाँ पे आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे पहले अगर 1 था तो थोड़ा सा हार्ड जा रहा था ये, बट ये अगर हाँ ये है कि ये सब जितना आप ऐड करोगे आपका उतना हेवी होता जाएगा फाइल, रेंडर टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आपको अपने डिज़ाइन को करते टाइम पे देखना है कि आपका पीसी कैसा है, कितना रेंडर टाइम लेगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ भी देने हैं। एकदम से रियलिस्टिक के चक्कर में जाने पे हो सकता है आपका पीसी रेंडर ही ना कर पाए, तो ये सब चीज़ आपको चेक करना है कि जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ, जितना मैं पास जाता हूँ, जितना ज़्यादा रियलिस्टिक कर रहा हूँ, तो ये भी है कि मेरा रेंडर होकर वो चीज़ कंप्लीट हो पाए, मेरा बन पाए। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब यह जैसे कि आप 2 में करूँगा तो आप देखोगे थोड़ा सा और स्मूथ हो गया, क्या ठीक है। आप 4 अगर कर दोगे और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आप ध्यान दोगे यहाँ पे। पर चलो फिलहाल मैं अभी 2 ही रखता हूँ, एंड रिलैक्स वैल्यू है यहाँ पे अभी 1। अगर मैं इसे कर दूँ बहुत ज़्यादा, 0.5 करूँ तो इतना है, 1 करूँ 5 कर दूँ तो ये उतना ज़्यादा, 1 से ज़्यादा जाएगा नहीं सॉरी, तो पॉइंट और ज़्यादा अगर हार्ड करना है तो -1 कर दूंगा, तो इस तरह का आ जाएगा। तो ये ठीक है, 0.5 भी ठीक है।
तो ऐसा कुछ, ये अभी आपका इतना 0.5 ही रहने देते हैं, देन हम चलते हैं और आगे की तरफ। ये देखो अभी फिलहाल F4 अगर आप करके देखते हो तो और ज़्यादा ये देखो इस तरह का आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। एनिमेशन भी चेक करके चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और ये हमारा फिलहाल अभी ऐसा है। देन हम इसमें और ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करते हैं और क्या बेटर कर सकते हैं हम, उस पे चलते हैं। तो यहाँ तक अभी हमारा वाटर का अब ये इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से यहाँ ये ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ आपका जो है पुश हो रहा होता है, इस तरह से वाटर आपका आ रहा होता है। चलिए हम और आगे चलते हैं और पास चलने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी हमने रिलैक्स किया, फिर से हम इसमें अभी पॉइंट ये जो अभी है इसको आप ऐसा कुछ 0.4 या 0.3 करके देखो, 0.3 तो ऐसा कुछ थोड़ा सा ये और हार्ड हो गया। अभी मैं फिर से ये अगर ऐड करूँ तो आपको ज़्यादा F4 से लाइन ऐड करने और ज़्यादा दिखेगा, 1 है अभी मैं बोल रहा था, डिफ़ॉल्ट इतना था। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, 2 है 3 है, तो चलो कोई नहीं, डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड देन अब आप एक और मॉडिफायर लोगे, फिर से आप लोगे नॉइस, चलो जी नॉइस, अभी ताकि एनिमेशन भी कर सके। अभी आप ऐसा कुछ करके एनिमेस्ट ये कर सकते हो, बट प्ले करना होगा वो, आप ऐसे भी कर सकते हो ना यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो कर रखा है, पहले ही दे रखा है नॉइस। तो अब देखो ये वाटर का इफेक्ट आपका, ये देखो पानी का इफेक्ट आ रहा है। अभी एक ये चीज़ है, इस तरह से आपने वाटर का इफेक्ट बना लिया। अब हम और चलते हैं इसमें, और हमने फिर से नॉइस लिया, और नॉइस लेने के बाद अभी स्केल वैल्यू है या जेट डेप्थ है, इसको हम थोड़ा सा और करके देखते हैं कि कैसा कुछ आता है। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा 1.5 ही करके देखो, ये देखो अजीब सा हो गया थोड़ा, 5 करके देखता हूँ तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, 1 करके देखूँ, 2 करके देखूँ। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप ऐड करके और ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट लाने का कोशिश कर सकते हो। देखो जो पहले ऐसा थोड़ा सा ये इस तरह का हार्ड जैसा इफेक्ट आ रहा है नुकीला वाटर। तो आपको डिपेंड करता है कैसा आपको रखना है, कितना लेना है, ये उसके अकॉर्डिंग आपके उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत कितना है, कितना रियलिस्टिक आपको लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू दे सकते हो, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हाँ, आपका कितना पास आपको जाना है, किस तरह का वाटर का इफेक्ट आपको लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू देना होता है। तो फिलहाल हमने ये दिया, देन हम स्केल वैल्यू देते हैं यहाँ पे, ये अभी आप इसको कम कर सकते हो और यहाँ पे आप ज़्यादा कर सकते हो। फ्रैक्टल कर सकते हो फिर से, बट क्योंकि सॉरी ये यूज में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये है फिलहाल, यहाँ पे भी 100 था तो अभी हमने सिर्फ यहाँ पे 2 यूज किया है। तो इसको और स्मूथ करने के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो या 50 कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पे फ्रैक्टल कर सकते हो ये, और ये लास्ट में आपने एक और नॉइस ले लिया कि थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल करना है किन चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकें। वैसे तो हमने नॉइस लेकर चीज़ें दे दी हैं, बट फिर भी अभी आपको और ज़्यादा इसको वैल्यू देना है तो ये दे दो इस तरह का। तो ये है फ्रैक्टल आपने कर दिया, चीज़ें दे दी। अब आप यहाँ से एनिमेट करोगे तो आपको ये देखो इस तरह का है। तो फिलहाल मैं इसे 2 ही रखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कम वैल्यू रखता हूँ। ये देखो वाटर का इफेक्ट आपका आ चुका है। ट्वेंटी करके देखो, 30 कर दो, अलग अलग आप वैल्यूज़ देकर देख सकते हो। आपका जो है रेडी है, आपको जो चाहिए सीन वो आपका रेडी है। ऐसा कुछ आप ऐसा कुछ मूव करके चीज़ों को देख सकते हो। ये है, इस तरह से आप वाटर का इफेक्ट दे सकते हो, बना सकते हो, अच्छे अच्छे इफेक्ट्स के डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये चीज़ है, फिलहाल हम ऐसा कुछ इसको बंद करते हैं ये एंड F4 आपका कर सकते हो। फिर अब आप देखोगे कि ये थोड़ा सा आपका जो पूरा का पूरा जो है थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो अकॉर्डिंग टू वाटर आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो आप इसको ऐसा कुछ, इसीलिए हमने ये किया था, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। अब आप देखोगे
ये आपका ऊपर रखना है, ठीक है, बट थोड़ा सा आप मुझे लगता है ऐसा कुछ कर दोगे तो ये आपका ऐसा कुछ, आपको ये सीन के अकॉर्डिंग लगता है कि बहुत ज़्यादा करना है तो ऐसा कुछ आप ज़्यादा स्केल कर सकते हो, छोटा रखना है छोटा रख सकते हो। तो ये चीज़ है आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा रखना है, स्केल करना है स्केल कर दो, किस चीज़ को, इसको प्लेन को छोटा रखना है स्केल करके, तो ये चीज़ आपको डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ बनाओगे अभी जैसा कि मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ पूरा, अगर आपको लगता है कि आपको सीन में ये ऐसा कुछ रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बड़ा कर सकते हो, इसको भी आप चाहो स्केल करके या यहाँ से प्लेन से साइज दे करके सेगमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग प्लेन का साइज है सेगमेंट है ये सब ज़्यादा और कम कर सकते हो। अभी फ़िलहाल आप चाहो इसको फोर करना ऐसा कुछ फोर कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वाटर का इफेक्ट बना सकते हो ऐसा कुछ। तो ये है, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें डिपेंड करती है रेंडर टाइम आपको कितना रखना है, इसको आप चाहो और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 300 तक मुझे लगता है कर सकता हूँ या 250 कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इसे मैं 2 ही रखता हूँ अभी। यहाँ से साइज आपको प्लेन का लेंथ कितना ज़्यादा रखना है, आपके कैमरे में कितना क्या दिखना है उसके अकॉर्डिंग आप प्लेन का भी आप साइज लेंथ और विड्थ बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ हमने ये बनाया, वाटर का इफेक्ट दिया, और इसमें आपको शेडिंग करना हो कोई नहीं, आप शेडिंग का जा सकते हो यहाँ पर ऐसा कुछ आप चाहोगे, और यहाँ से आप शेडिंग भी कर सकते हो। अभी थोड़ा हेवी हो रहा है उसके लिए मैं इसे बंद कर दूँ, क्योंकि मैंने शेडिंग जो है लास्ट टाइम बताया भी था आपको लास्ट क्लास में कि वीरे में कर दिया है, तो वीडियो में सेटिंग होने के कारण मैं अभी क्या करता हूँ स्कैन लाइन कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मैं आराम से मटेरियल वगैरह बना पाऊँगा और शेडिंग आसानी से आपको समझा पाऊँगा। तो ऐसा कुछ है, फिलहाल मुझे शेडिंग करना है, मान लो यहाँ इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, और इसके लिए इस पर मैं एक शेडिंग कर देता हूँ वाटर का। मैंने आपको वीरे में एक बताया भी था कि आप ऑलरेडी आपको बहुत सारे इफेक्ट्स बने बनाए मिलते हैं। फिलहाल मैं स्कैन लाइन में, आपको अगर स्कैन लाइन पे गए यहाँ स्टैंडर्ड पे गए स्टैंडर्ड लगसी आपको बनाना सिखाता हूँ कि कैसे आप कोई इफेक्ट बना सकते हो। आपको जैसा कि अभी ऐसा कुछ ब्लू कलर होता है वाटर का, तो आपको ब्लू कलर लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कलर ले लोगे, थोड़ा बहुत इसको आप ऐसा कुछ मैन्युअली ट्रीट कर सकते हो, और इस तरह का आप वाटर कलर ले लोगे, और यहाँ पे इसको आप ऐसा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसा कुछ कर सकते हो, देन वो अप्लाई हो जाएगा। ओपेसिटी आपको अपने अकॉर्डिंग 95 करना है या 96 करना है ये आपको देखना है, यहाँ से आप स्पेकुलर वगैरह आपको कितना ज़्यादा रखना है ये चीज़ें आप ऐसा कुछ डिसाइड कर सकते हो। ये रहा आपको, तो इस तरह से आप स्पेकुलर भी दे सकते हो, एंड देन आप ऐसा कुछ रेंडर करके देख सकते हो, एक रेंडर आप ऐसा कुछ करके चेक करोगे कि कैसा इफेक्ट आ रहा है। अभी ये स्कैन लाइन में रेंडर हो रहा है, ये देखो इस तरह से। अभी ये हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे क्योंकि लाइट लगा रखा है, जो लाइट्स वगैरह दे रखे हैं उसके लिए ये इस तरह से, हालांकि स्पेकुलर आप देख सकते हो मैंने बनाया स्पेकुलर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी आप चाहते हो पूरे पे दिखे तो आपको क्या करना होगा कि फिलहाल जो आपका यहाँ से आप लाइट एंड टोटल लाइट को फिलहाल आप ऐसा कुछ डिलीट कर दो, फिर मैं अंडू करके ले आऊँगा, एक रेंडर और आप ऐसा कुछ करके देखोगे। बट अभी क्या हो रहा है कि इसमें आपको जो स्पेकुलर उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, हाँ अब पता चल रहा है, तो ऐसा कुछ आप टॉप से लाइट आ रहा है तो टॉप से स्पेकुलर आपका ऐसा कुछ पता चल रहा है, हाँ स्पेकुलर भी परफेक्ट आपका छोटा छोटा स्पेकुलर बन रहा है। अभी इसी में मैं अगर इसको, ये नीचे का दिख रहा है क्योंकि ये ओपेसिटी थोड़ा सा दिया है, वैसे ये बहुत टॉप का एंगल है, ओपेसिटी आप कितना देते हो उसके अकॉर्डिंग ये आप चाहो। आज मैं वैसे तो मैं ज़्यादा लास्ट क्लास में वीरे में बताया था मटेरियल बनाना, आज मैं सोचा कि स्टैंडर्ड में ही वाटर का बताता हूँ। तो अब आप अगर इसी को अगर फैला देते हो तो आपको मोटा मोटा यहाँ पे इस तरह से स्पेकुलर आएगा, लगेगा जैसे ऊपर का बादल का इफेक्ट आ रहा है पानी में। बट इसको आप अगर जितना ज़्यादा कम करते जाओगे और जितना छोटा स्पेकुलर होगा आपका
उतना ज़्यादा आपका जो है वाटर का इफेक्ट आपका रियलिस्टिक आएगा। तो ये चीज़ है इस तरह से। अभी भी देखो आपका स्पेकुलर थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप इसको थोड़ा सा और इसकी वैल्यू जो है इस तरह कर दोगे एंड देन रेंडर करोगे। तो इस तरह से आप वाटर इफेक्ट बनाओगे, जैसा कि मैंने बताया भी था आज के क्लास में, मैं वाटर इफेक्ट नेक्स्ट बनाने बताने वाला था। तो इस तरह से आपका वाटर इफेक्ट है। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे। आई आइकन से इस पूरे प्लेलिस्ट को जा करके देखिए, बाकी भी कंप्लीट कोर्स जो है 3ds मैक्स का यहाँ पे आई आइकन से मिल जाएगा। सब कुछ आप देख करके अच्छे से देख सीखो। चैनल पे जा करके यहाँ से फोटोशॉप हो गया, 3ds मैक्स हो गया, बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, आगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, इलस्ट्रेटर के भी अभी मैंने दे रखे हैं कंप्लीट कोर्स, तो वो सब जा करके सीखो। आई आइकन पे यहाँ से जो ये सब्सक्राइब है, यहाँ से जाकर चैनल पे सब्सक्राइब करो, चैनल को वॉच करो, देखो चैनल कैसा है, समझो चैनल को, यहाँ से जा करके सब्सक्राइब करो, और फ्यूचर के भी अपडेट्स आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन बटन क्लिक कर दो। और क्लास में किसी भी तरह का कोई क्वेरी है कमेंट करके पूछो, बिंदास पूछो, फेसबुक पर आकर के आप कमेंट करो, फेसबुक पर जाकर के पेज पे शेयर करो अपने डिजाइंस, एंड वन टू वन आप बात कर सकते हो मुझसे, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। क्लास अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।